देखिए आपने कई बार, मैंने आपके कई साक्षात्कार देखे सुने, आपने कई बार बात भी कही कि देखिए शिवसेना आपकी नेचुरल अलाइज थी, शिवसेना अभी जो गठबंधन के साथी है, अब वो अब राजनीतिक साथी हैं, किस तरह के साथी हैं, लेकिन अब दूसरी तरफ आप बात करें कि आपका दिल दुखा है, तो राजनीति में दिल लगाएंगे तो दुखेगा ही शायद, क्योंकि यहां तो पता नहीं कब रिश्ते टूट जाए, कब जुड़ जाए, कब दरवाजे खुल जाए। नहीं, इसीलिए मैंने कहा पॉलिटिकल अलायंस में जब अलायंस ब्रेक होता है दिल नहीं दुखता जी, क्योंकि पॉलिटिक्स में इश्यूज होते हैं, आपको एक इश्यू पसंद आया, मुझे नहीं आया, आप और मेरा मामला अलग हो गया, लेकिन 25 साल जिनके साथ दिल लगाया, 25 साल जिनको भाई की तरह जी हमने ट्रीट किया, 25 साल जिनके साथ सुख दुख बांटा, ऐसे लोग जब आपकी पीठ में खंजर घोपते हैं और ऐसे लोग जब रोज आपके खिलाफ, आपके नेताओं के खिलाफ झूठी बातें, भद्दी बातें, गलत बातें जब बोलते हैं, तो मुझे लगता है कि तब दिल टूटता है। तो इसलिए यहाँ तो दिल टूटा है, और अभी जो हमारा गठबंधन है, मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारे साथ जो एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना है, ये असली शिवसेना है। बाळासाहेब ठाकरे जी, इनके विचारों पर चलने वाली शिवसेना, ये हमारे साथ है। इसलिए आज भी शिवसेना के साथ हमारा गठबंधन, ये एक प्रकार से इमोशनल गठबंधन है जी। और मैं बहुत साफ कहता हूं कि अजीत पवार जी के साथ, एनसीपी के साथ हमारा जो गठबंधन है, ये हमारा स्ट्रेटेजिक गठबंधन है। राजनीति में कुछ इमोशंस होते हैं, कुछ स्ट्रेटेजी होती है। हाँ, ये हो सकता है कि शायद 5-10 साल बाद वो भी इमोशनल बन जाए, पर आज मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहता हूं जी कि शिंदे जी के साथ, शिवसेना के साथ हमारा गठबंधन इमोशनल गठबंधन है, एनसीपी के साथ हमारा गठबंधन स्ट्रेटेजिक गठबंधन है। स्ट्रेटेजिक जी।